सब जानते ही हैं। तो स्माइरा नरूला एंड फैमिली चैनल का व्लॉग आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि स्माइरा नरूला दीदी जो है ना वो मेरे साथ व्लॉग लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो बाकी का व्लॉग स्टार्ट करेगी स्माइरा दीदी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही थी डॉली, जैसे कि आप सबको पता है। तो डॉली हमेशा कंप्लेंट्स करती है कि स्माइरा दीदी आप अपने लिए ही गिफ्ट लेते हो, मेरे लिए आपने एक गिफ्ट भी नहीं लिया जब से मैं इस घर में आई हूँ। तो आज मैं इसके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। सच्ची स्माइरा दीदी, मुझे तो बहुत खुशी हुई है सुनकर कि आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हो। आप जल्दी से मुझे बता दो कि आप क्या गिफ्ट लेकर आए हो। ठीक है, तुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नहीं दीदी, मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे वाह दीदी, आप तो बहुत सुंदर किचन सेट मेरे लिए लेकर आए हो। तो जल्दी से इसको ओपन करो और मुझे दिखाओ कि इसके अंदर क्या है। हाँ हाँ, दिखा रही हूँ, तेरे लिए है। मैं कौन सा यूज करूँगी इसको। इसका नेम है नैनो किचन सेट। तो चलो इस किचन सेट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आया है। वाओ, ये देखो फ्रेंड्स। अरे वाह स्माइरा दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर किचन सेट है। और इस किचन में आके मुझे तो प्यास लगने लग गई, क्या आप मुझे पानी पिला सकते हो? ठीक है, तो ये पैकेट को मैं निकालने जा रही हूँ। डॉली के साथ साथ मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही है। अरे दीदी, आप इतना टाइम इसको ओपन करने में लगाओगे, मेरा तो गला ही सूख रहा है। अरे रुकना, ओपन करने में टाइम तो लगता है ना। ले, हो गया है ओपन। सबसे पहले मैं इसको पानी देती हूँ, नहीं तो ये बोलती ही रहेगी। ये है टू ग्लासेस, कितने क्यूट हैं। अरे दीदी, मैं तो एक ही ग्लास में पानी पीऊंगी ना, तो दूसरा ग्लास किसके लिए है? मेरे लिए। बस हवा निकल गई। ओह, इट्स ब्यूटीफुल। तो पानी के लिए हमारे पास है एक क्यूट सा वाटर कूलर, इसको हम कैरी भी कर सकते हैं। तो ये मैंने टैप ओपन कर दी है। ये ले डॉली पानी। अरे दीदी, ये तो पानी गरम है। वाटर कूलर का मतलब तो होता है ठंडा पानी, लेकिन इसमें तो पूरा गरम पानी है। अरे तो मुझे क्या पता कि इस वाटर कूलर में ठंडा पानी है या गरम, क्योंकि अभी अभी तो मैं किचन सेट लेकर आई हूँ। चल कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं फ्रिज में से आइस निकाल कर तुझे पानी पिला दूंगी। ठीक है दीदी, अब जल्दी से फ्रिज खोल कर देखो इसमें कितनी आइस है। हाँ हाँ, देखती हूँ। तो ये है हमारा क्यूट सा फ्रिज, ऑरेंज कलर का। अरे वाह दीदी, मैंने तो ऑरेंज कलर का फ्रिज पहली बार देखा है। जल्दी से इसको खोलो ना, इसके अंदर तो कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगी हमें, तो फिर पानी की जरूरत ही नहीं है। हाँ खोल रही हूँ। वाओ, देख डॉली, इसमें कितना कुछ है। दूध की बॉटल्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, शरबत की बॉटल है, और पोटैटोस हैं, ऑलिव्स हैं। अब तो तेरा पेट ही भर जाएगा इतना कुछ खा पी के। अब तुझे ठंडे पानी की जरूरत भी नहीं है। हाँ दीदी, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी के ही गुजारा कर लूंगी, और ठंडा पानी तो आएगा भी कहाँ से, इसमें तो फ्रीजर ही नहीं है। अब डॉली बता, तुझे अपनी किचन में से क्या चाहिए। अरे दीदी, पानी गरम था, अब कोल्ड ड्रिंक तो फ्रिज में पड़ी है, लेकिन आपने मुझे पिलाई नहीं। वो पिलाओगे तो मैं आगे बोल पाऊंगी ना, मेरा तो गला ही सूख रहा है। चल ठीक है, मैं तुझे ना पेप्सी पिलाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें है पेप्सी की बोतल, बहुत ज्यादा क्यूट है, तो हम डॉली को वही पिला देते हैं। ये देखो, ये ले डॉली पी ले। अरे वाह दीदी, कोल्ड ड्रिंक पी के तो मजा ही आ गया। अब तो मैं बहुत ही चपड़ चपड़ बोलूंगी। अब मुझे जल्दी से थोड़ा सा शरबत पिला दो।
अरे अभी तो तूने पेप्सी पी है, उसके ऊपर से शरबत। चल ठीक है, तुझे पिला देती हूँ। तो इसके अंदर है शरबत, ये देखो कितना क्यूट है। ये ले पी ले। अरे वाह दीदी, मजा ही आ गया। अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? ठीक है, पहले मैं तेरे लिए गैस और सिलेंडर तो लगा लूं, फिर ही मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी ना। तो ये है गैस स्टोव, बहुत ज्यादा क्यूट है। इसको हम यहाँ पर रख देंगे। और अब हमारे पास है क्यूट सा सिलेंडर, ये देखो रेड कलर का। चलो मैंने सिलेंडर को फिक्स कर दिया। तो अब देखते हैं खाना बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या बर्तन है। वाओ, ऑरेंज कलर की क्यूट कढ़ाई, देखो तो कितनी क्यूट है। चलो इसको मैं पहले यहाँ पर रख देती हूँ। वाओ, इसके अंदर तो प्रेशर कुकर भी है। देखते हैं इसका लिड ओपन होता है। यस, होता है। चलो इसको भी मैं बंद करके रख देती हूँ। तो ये है प्रेस्टीज का पैन, बहुत ज्यादा क्यूट है। और ये है नॉनस्टिक। वाओ, दूध बॉईल करने के लिए बॉयलर, बहुत क्यूट है। वाओ, इसमें है चकला बेलून, बहुत ज्यादा क्यूट है। ये देखो, ये है चकला और ये है बेलन। और ये है क्यूट स्पून्स, ये है स्मॉल स्पून, ये है बिग स्पून। अब बता डॉली, तुझे क्या खाना है? अरे दीदी, मेरी ड्रेस के साथ मैचिंग कुछ खाना बनाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तेरी ड्रेस तो येलो है, अब येलो कलर का कौन सा खाना होता है? मैगी। हाँ? मैगी? लेकिन ये तो नहीं किचन है, इसमें तो मैगी का पैकेट नहीं निकला है। नहीं दीदी, मुझे मैगी ही खानी है, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज दीदी। चलो एक काम करो, मैगी नहीं है तो मेरे लिए पास्ता बना दो। ठीक है, मैं तेरे लिए पास्ता बनाती हूँ। और सिलेंडर को मैं अपने पास ले आती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है। और हम लेते हैं पैन, तो पैन को हम गैस के ऊपर रख देंगे और इसके अंदर डालेंगे हम पानी। चलो अब हम गैस को ऑन करते हैं। डॉली, मुझे तो लगता है सिलेंडर में गैस नहीं है, तो मैं अब कैसे बनाऊं तेरे लिए पास्ता? कोई बात नहीं दीदी, आप मेरे लिए कुछ और बना दो जिसमें गैस की जरूरत ना हो। बिस्किट खाएगी? हाँ दीदी, खा लूंगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें बिस्किट का पैकेट भी मिला है, ये देखो। और ये है ग्लूकोज बिस्किट, ये ले डॉली खा ले। वाह दीदी, मजा ही आ गया, मेरा तो पेट ही भर गया इससे। तो डॉली, तू कहती है ना, जब भी मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो वो नीचे जमीन पर बैठते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है। तो मेरे पास अब बहुत अच्छी चीज है तेरे फ्रेंड्स के लिए। सच्ची दीदी, जल्दी से दिखाओ ना वो क्या है। तो हमारे पास है एक डाइनिंग टेबल, ये देखो रेड कलर का, कितना ब्यूटीफुल है। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसमें तो चेयर्स भी हैं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और एक हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर डॉली बैठ जाएगी और यहाँ पर डॉली की कोई फ्रेंड बैठ जाएगी। थैंक यू दीदी, मेरे बारे में और मेरे फ्रेंड्स के बारे में इतना कुछ सोचने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो जब तेरी फ्रेंड आएगी और हमारी गैस खत्म हो जाएगी ना, तब भी मैं उसके लिए खाना बनाकर तुझे दे दूंगी।
अच्छा दीदी, बिना गैस के क्या खाना बनाओगे? मुझे तो लगता है जैसे बिस्किट मुझे खिलाए हैं वैसे मेरी फ्रेंड को खिला दोगे। अरे फ्रेंड को थोड़ी ना बिस्किट खिलाते हैं, तेरी फ्रेंड के लिए तो मैं यम्मी सा खाना बनाऊंगी। चलो मुझे बताओ फिर क्या खाना बनाओगे बिना गैस के? तो तेरी फ्रेंड के लिए मैं बनाऊंगी ब्रेड टोस्ट। मेरे पास ना टोस्टर है। ये देखो कितना क्यूट है, ब्लू कलर का। इसके ऊपर लिखा हुआ है टोस्टर और इसके अंदर हम ब्रेड डाल सकते हैं और हमारे जो ब्रेड होंगे वो अच्छे से पक जाएंगे। तो टोस्ट के ऊपर मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, अच्छा टेस्ट आ जाएगा अगर हम टोस्ट के ऊपर डालेंगे। हमारे पास ना पूरी बोतल आई है ब्लैक पेपर की। तो साथ में मिला है हमें ओवन। ये देखो इसके अंदर मैं डॉली के लिए और डॉली के फ्रेंड्स के लिए बनाऊंगी पिज्जा, केक। तो इस किचन सेट में हमें मिले हैं दो सर्विंग बाउल्स। ये है हमारी सेकंड सर्विंग बाउल, क्यूट है ना? अरे डॉली तो चुप क्यों हो गई, कुछ बोल ना। क्या बोलूं दीदी, मेरे पास तो शब्द खत्म हो गए। आप मेरे बारे में कितना सोचते हो, कितना क्यूट किचन सेट लेकर आई हो, मैं तो बस देखती जा रही हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, आपको कैसे थैंक यू करूं। तो चलो जल्दी से आप दिखाओ कि इसमें और क्या है। तुझे शेक पसंद है, तुझे जूस पसंद है? हाँ दीदी बहुत पसंद है ये दोनों चीजें मुझे। वैसे भी गर्मी का मौसम है तो हमारी सेहत के लिए शेक और जूस तो बहुत ही अच्छा होता है। मेरे पास है मिक्सर ग्राइंडर, ये देखो पिंक कलर का। तो कितना क्यूट है ना, जूस और शेक बनाने के लिए इसके ऊपर जग भी रखा हुआ है। अरे वाह दीदी, बहुत सुंदर मिक्सर ग्राइंडर है ये तो। तो आप मेरे लिए कौन सा शेक बनाने वाले हो? पहले मैं मार्केट से दूध लेकर आऊंगी, तभी तो शेक बनेगा। ठीक है दीदी, मैं वेट कर लूंगी। ओके। स्मायरा दीदी, हम फिर कभी शेक पियेंगे यूट्यूब फैमिली। अगर आपको मेरा किचन सेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।